हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला पे। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज बताने वाला हूँ जनरल रूल्स ऑफ वोटिंग के बारे में कि जब आप वोटिंग करते हो, जब आप वोटिंग होने वाली होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो किन किन रूल्स का ध्यान रखा जाता है, किन किन रूल्स के तहत जो है ये वोटिंग कराई जाती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पर आने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। राइट, अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि रिलेटेड है हमारे ब्लॉक 5 से, आई मीन ब्लॉक 2 से। ठीक है, और उससे पहले मैं और एक बात बताता चलूं कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे आकर के स्टडी करें। ये हमारा चैनल है, यहाँ पे आने के बाद आपको इग्नू बीकॉम न्यू में जाना है। बीकॉम ओल्ड भी एक है कोर्स, उसमें आपको नहीं जाना है। अगर आपका एडमिशन बाद में हुआ है तो डेफिनेटली आप न्यू के हो, तो न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको देख करके, सुन करके, पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिए फिर चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है जनरल रूल्स ऑफ वोटिंग। So the procedure of voting to be followed is generally provided by the bylaws or rules and the regulations of the association. तो जो भी bylaws होते हैं, जो भी rules and regulations होते हैं उस association के, वो provide करते हैं procedure को कि इस procedure के through जो है आपको अपना काम जो है करना है, आपको अपनी voting जो है करवानी है। But अगर किसी भी तरह का provision अगर exist नहीं करता किसी भी organization में, तो उस case में chairman को कुछ कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरल रूल्स कहलाते हैं, और उन्हीं चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। देखो, दो तरीका होता है, या तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होगा एसोसिएशन का वो गाइडिंग फोर्स होगा वोटिंग के, जो जनरल रूल्स होंगे उसको लेकर के किस तरीके से प्रोसीजर होगा, और अगर वो प्रोविजंस अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस केस में जो चेयरमैन होता है, जो मीटिंग को एक तरीके से प्रोडक्ट करवाता है, प्रोसीड करवाता है, वो इन चीजों को ध्यान में रखेगा और इन जनरल रूल्स को फॉलो करवाएगा वोटिंग के दौरान। सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है वो ये है कि whenever a departure from usual voting procedure is to be made, जब भी departure दिखाया जाता है कि कोई voting procedure हो रहा है और कोई departure अगर वहाँ पे लेने वाला है, the assent of the meeting must be obtained. उस time तक जो meeting का जो मूल्य, जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाना चाहिए, है ना? जो assent है meeting का, वो जो है वहां से ले लिया गया है। सपोज मैं मीटिंग में हिस्सा ले रहा हूँ और मीटिंग में मुझसे वोटिंग करवाई जानी है कि मैं इस चीज के ऊपर हाँ हामी भरता हूँ या फिर ना करता हूँ, तो यस नो मुझे करना है, वोटिंग मुझे करनी है। तो मीटिंग के दौरान, जब मैं मीटिंग जब खत्म हो रहा है, उस टाइम तक चेयरमैन का काम होगा कि वो मेरे से मेरा कंसेंट ले ले कि मुझे हाँ है या फिर मेरा ना है, है ना? तो जो असेंट है मीटिंग का, उसका पूरा हो जाना चाहिए डिपार्चर से पहले, है ना? So when a departure from the usual voting procedure is to be made, जब भी departure दिखा जाता है, उस time से पहले जो meeting का जो assent है वो पूरा हो जाना चाहिए। दूसरा point है, all issues should be decided by simple majority unless special majority is prescribed, है ना? तो जितने भी issues वहाँ पे एक तरीके से रेज किए जाते हैं मीटिंग के, होता है कि वोटिंग में बहुत सारे इश्यूज रेज किए जा रहे हैं कि ये इशू है, वो इशू है, तो ये जो सारे इश्यूज रेज किए जाते हैं, ये सारे के सारे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा रेज किए जाते हैं। सिंपल मेजोरिटी डिसाइड की जाती है कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है हमें वोटिंग करनी है, या फिर अगर वो नहीं होती तो उस केस में जो है स्पेशल मेजोरिटी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो भी यहाँ पे एक पॉसिबल ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल जो है करना चाहिए। अब वोट वन कास्ट कैन नॉट बी विथड्रॉन और रिलेटेड। अब कोई एक व्यक्ति अगर वोटिंग कास्ट कर देता है, अपना वोट कास्ट कर देता है, तो वो अपने वोट को वापस नहीं ले सकता, ना ही उसको अल्टर कर सकता है। वोटिंग वोट कास्ट कर देने के बाद आपके हाथ में अब कुछ नहीं रहता, ना ही आप उसको वापस ले सकते हो, ना ही आप उसको अल्टर कर सकते हो। सकता है पहले आपने हाँ बोला, अब आपने ना बोल दिया, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने एक बार जो बोल दिया वही आपका वोट जो है उसको एक तरीके से काउंट कर लिया जाएगा। चौथा है, एब्सेंटी वोट्स आर नॉट काउंटेड इन द मीटिंग। तो ये तो हर जगह का नियम है भाई, ये तो होना ही चाहिए कि जो एब्सेंट हो गए उनका वोट मैं काउंट क्यों करूंगा, जो प्रेजेंट होंगे सिर्फ उन्हीं का वोट काउंट होगा, जो एब्सेंट हो गए उनका वोट जो है काउंट यहाँ पे नहीं होगा, ये बात यहाँ पे बोली गई है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, ओनली मेंबर्स प्रेजेंट एंड एंटाइटल्ड टू वोट शुड बी अलाउड टू वोट। तो जो मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, सिर्फ प्रेजेंट होने से भी नहीं होगा, जो जो एंटाइटल्ड है वोटिंग करने को लेकर के, सारे लोगों के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो वोटिंग कर सकें, तो ऐसे मेंबर जो वहां पे प्रेजेंट होंगे और जिनके पास अधिकार होगा वोटिंग करने का, सिर्फ वही जो है वहां पे वोट डाल सकते हैं और कोई वहां पे वोट नहीं डाल सकता है। पांच पॉइंट हो गए, पांच जनरल रूल्स हो गए। छठा जनरल रूल है, इफ प्रॉक्सीज आर अलाउड एज पर रूल्स दे शुड बी चेक्ड एंड वेरीफाइड। अगर प्रॉक्सी वहां पे अलाउ की जाती है कि सपोज मेरे बदले किसी और ने मेरी वोटिंग कर दी, तो अगर ऐसा कुछ यहां पे अगर अलाउ किया जाता है, तो उस केस में जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी चेक्ड एंड वेरीफाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं किसी को अलाउ कर रहा हूँ कि भाई तुम मेरे बदले वोटिंग कर देना,
है ना, तो यहाँ पे ये वेरीफाई करना कि मैंने उसको अलाउ करा है, मेरे बिहाफ पे वो वोटिंग करेगा, इसका चेक एंड वेरीफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। सातवां नंबर पॉइंट है द चेयरमैन इज एंटाइटल्ड यू, अगर कोई चेयरमैन आपको एंटाइटल करता है वोट ऑन अ इमोशन, किसी मोशन के ऊपर वोट करने के लिए, ही कैन ऑल्सो एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई, अगर टाई हो जाता है, जब मामला फंस जाता है, 10-10 वोट अगर दोनों केस को मिलते हैं तो जीतना तो किसी एक को है ना, तो उस केस में चेयरमैन जो है अपना वोट वहां पे डाल सकता है, ठीक है, लेकिन जब तक टाई नहीं होगा वो अपना वोट वहां पे कास्ट नहीं करेगा। आठवां नंबर पॉइंट है इफ द चेयरमैन डज नॉट कास्ट हिज वोट वोट फाइव केस ऑफ अ टाई द मोशन इज लॉस्ट, है ना, तो अगर चेयरमैन अपना वोट अपना कास्ट नहीं करता है, सपोज पचड़ा फंस गया है, दोनों की तरफ जो है 10-10 वोट पड़े हैं, अब समझ में नहीं आ रहा कि मोशन किसकी तरफ जाएगा, है ना, इस व्यक्ति की तरफ जाएगा या उस व्यक्ति की तरफ जाएगा, तो उस टाइम पे चेयरमैन अपना वोट कास्ट कर सकता है, पर अगर वो वोट कास्ट नहीं करता है और बीच में फंस जाता है सिचुएशन, तो उस केस में वो मोशन जो है लॉस्ट हो जाएगा, उस मोशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। नौवा नंबर जो रूल्स होता है वो ये है कि वेन एवर द चेयरमैन कैन एज्यूम द सेंस ऑफ द हाउस एंड ऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ बिजनेस ही मे गेट इट रिकॉर्डेड एंड नो वन प्रेजेंट हैज एनी ऑब्जेक्शन, है ना, यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि जब भी चेयरमैन को ऐसा लगेगा या फिर उसको सेंस होगा कि इस चीज का हमारे पास रिकॉर्ड रखना है ना, या फिर उस चीज की हमें आवश्यकता है, तो वो जो है उस चीज को रिकॉर्ड करेगा और उस रिकॉर्ड करने के मामले में किसी भी मेंबर को किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन जो है वहां पे नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है, राइट। दसवां नंबर पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ वोटिंग रिजल्ट बाय द चेयरमैन इज फाइनल, अब जब वोटिंग सारी हो गई तो उसके बाद जो है चेयरमैन अपना रिजल्ट सुनाता है वोटिंग का, तो वहां पे जो डिक्लेरेशन होता है वो जो चेयरमैन बोलता है वही फाइनल होता है, उसके बाद किसी भी तरह का अल्टरेशन उसमें नहीं किया जा सकता है। इन केस ऑफ अ डिक्लेरेशन ऑन अ शो, अगर किसी भी तरह के शो में डिक्लेरेशन किया जा रहा है, आई मीन शो ऑफ हैंड में डिक्लेरेशन किया जा रहा है, जहां पे हाथों को दिखा करके मोशन पास करवाया जाता है, मेंबर्स प्रेजेंट कैन डिमांड अ पोल, तो उस टाइम पे जो मेंबर्स होंगे वो डिमांड कर सकते हैं पोल का, मतलब वोटिंग का वो डिमांड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अपने कैबिनेट में अपने मीटिंग जो होती है, जो हमारे लोकसभा में मीटिंग होती है, बहुत सारे प्रस्ताव जो होते हैं वो पारित किए जाते हैं, तो पारित किए जाते हैं तो देखना वहां पे ध्वनि मत से, आपने एक सुना होगा कि ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, मतलब जिनकी आवाज तेज थी उनका बात सुन करके जो है पास कर दिया गया, है ना, तो उस केस में हो सकता है ना कि किसी ने बहुत जोर से चिल्लाया या उनका आवाज ज्यादा सुनाई दिया, तो उस केस में जो है एक टीम का आवाज ज्यादा सुनाई दिया तो उनको जो है पारित कर दिया गया, तो उस केस में जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो लोग डिमांड कर सकते हैं कि भैया आप पोलिंग करवा लो, आप वोटिंग करवा लो, पता चल जाएगा किसको कितने लोग जो है उस चीज के साथ है, राइट। तो वही चीज यहाँ पे भी बोली गई है कि जब आप शो ऑफ हैंड, यहाँ पे जब आप हाथ उठा करके एक तरीके से आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस मोशन के साथ हूँ या इस मोशन के खिलाफ हूँ, उस केस में डिमांड जो है किया जा सकता है पोलिंग करवाने का, वोट करवाने का, राइट। सो दीज आर द 10 जनरल रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वोटिंग के लिए, और ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये बातें पहुंच पाए और वो भी एग्जाम की तैयारी ठीक तरीके से कर पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।